तो आप लोग सो गाइस वेलकम है आप लोगों का मेरी एक और वीडियो में। सो गाइस पिछली वीडियो की तरह ये भी हमारी एक चैलेंजिंग वीडियो होने वाली है। गाइस प्लीज इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हालांकि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था लास्ट वीडियो को कि जो व्यूज जाने थे वो नहीं गए उतने व्यूज, सिर्फ 200 ही क्रॉस कर पाए, पर इस वीडियो को आप प्लीज ज्यादा शेयर करना। ओके गाइस, तो आज की हमारी जो चैलेंजिंग वीडियो होने वाली है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को पहले बता देता हूँ। वीडियो ये होगी कि मेरे पास दो कंटेस्टेंट होंगे जिन्हें मैं 100 रुपीज दूंगा और उन कंटेस्टेंट पांच पांच वैल्यूएबल चीज तो मिनिमम है जो खरीदनी है, और जिसकी वैल्यूएबल चीजें होंगी और जो ज्यादा क्वांटिटी में होंगी वो हमारा इस चैलेंज का विनर रहने वाला है। तो पहले हम मिल लेते हैं अपने कंटेस्टेंट से। सो गाइस मिली हमारे कंटेस्टेंट से वंश और ऋषभ से। ऋषभ को तो आप जानते हो, वंश हमारा नया बंदा है जो हमारे साथ में आ रहा है पहली बार वीडियो में। गाइस तुम दोनों में से पहले कौन जाएगा ये बताओ, तू जाएगा? सो गाइस पहले ऋषभ जाएगा, तो ऋषभ से बात कर लेते हैं। तो गाइस ये है ऋषभ जिसने पहले जाने के लिए बोला है। तो सबसे पहले खुशी देख लो भाई बंदे की, पैसे मिलने की। तो ये रहे 100 रुपए जो मैं ऋषभ को दे रहा हूँ। और पहले हम ऋषभ के साथ चलेंगे, देखते हैं ये क्या। वैसे असली अरे वैसे तुम बताना चाहोगे क्या क्या खरीदने वाले? सामान ला के दिखाएंगे। तो भाई ये तो मुझे लग रहा है कुछ सही सा कुछ खरीदने वाला है। तेज तेज भाग रहा है एकदम फटाफट, चलो जल्दी 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 आओ जल्दी। एक तो है इतना लंबा, जल्दी जल्दी कलम दिखाओ। अरे भाग गया, आओ आओ जल्दी 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 आओ। ये तो जनरल स्टोर पे पहुंच गया, देखते हैं क्या खरीदेंगे। खरीदो क्या खरीदोगे? काफी ऐसी चीजें ऋषभ के लिए ली है का सामान है इसमें, काफी कुछ तो उसमें खाने पीने का सामान भी लिया है, घर का सामान भी लिया है। बाकी हम बाद में देखते हैं क्या लेता है, अभी हम देख लेते हैं और क्या क्या चीजें खरीद। आओ आओ जल्दी। तो भाई ऋषभ ने आधा सामान तो ले लिया है, अभी उसके कुछ जो बच गए हैं देखते हैं अभी उनका वो क्या क्या खरीदेगा। आ जाओ दुकान पर आ गए, देखते हैं आप ये यहाँ पे क्या खरीदने का है, ठीक है? हालांकि हम पीछे हो गए देखेंगे क्या क्या खरीदेगा। मैं इसके पास नहीं जाने वाला क्योंकि ये कुछ शेयर ही नहीं था, बंदा बोल ही नहीं था, बस चुपचाप सामान खरीदेगा। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। भारत माता की जय। खरीदने दो इसे, खरीदने दो, देखते हैं क्या क्या खरीदेगा। कुछ बताएगा क्या खरीदेगा? कुछ नहीं बता रहा। आ जाओ अभी ऑफिस लेने। कितने रुपए बचे अभी दिखाओ कितने बचे गए? चिल्लर भी है, चिल्लर भी है। काफी चीजें हैं ऐसी अच्छी खरीदी है, मुझे लग रहा है ये बिना रिपीटेशन के जा रहा है। अभी बहुत शहर आए कभी देखते हैं। सारा सामान ले लिया है, सारा सामान आ गया, पूरे 100 पूरे 100 का सामान ले लिया है। अब वंश की बारी है। तो गाइस ऋषभ ने अपना सारा सामान ले लिया है, अब बारी है वंश की, देख लेते हैं वंश क्या खरीदने वाला है। तो वंश आर यू रेडी? चलो वंश जो है आ गया है शॉप पे और देखते हैं वंश क्या क्या खरीदने वाला है। तो गाइस पहला मैंने लिया है डाबर आमला हेयर ऑयल, दूध ले लिया है 10 वाला मदर डेयरी का, और एक पास्ता का पैकेट दे दो मैकरोनी का। ये तो मैंने कोकोनट बिस्किट ले लिए, मैं दो चाहिए उसके साथ में। ये दो शैम्पू ले लिए डब के और दो बॉर्नविटा के पैकेट दे दो, एक 10 वाला ब्लेंड दे दो। अभी चेक करता है कितने का सामान होंगे। क्या क्या ले लिया अभी, नेक्स्ट क्या लिया है? ये ब्लेंड मैंने लिया है अभी। अच्छा हाँ देखते हैं, अभी कैलकुलेट करने के बाद पता करते हैं। देखा ये सब्जी में भी काम आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो गाइस मेरा सामान पूरा हो चुका है, चलो अब देखते हैं किसका वैल्यूएबल सामान ज्यादा है। तो गाइस आप देख सकते हो मेरे पीछे ऋषभ ने भी अपना सामान खरीद लिया है सारा, ठीक है, और वंश के हाथ में भी उसका सामान है।
तो पहले काउंटिंग कर लेते हैं ऋषभ के सामान की, ये क्या क्या लाए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो गाइस आप लोगों को ऋषभ का ये पैकेट पूरा ओपन करने थे, पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ऋषभ के इस पैकेट से और वंश के पैकेट में अगर कोई भी चीज सेम होती है या फिर ऋषभ के पैकेट में कोई दो चीज सेम होती है तो वो चीज कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। एक गिनी जाएगी राइट, ठीक है ना, दो नहीं गिनी जाएगी। तो आओ देखते हैं। तो पहले निकला है कुरकुरा 500 रुपए, चिप्स हल्दीराम का 500 रुपए, एक पेन निकला है ये 500 रुपए का, एक ही भुजिया नमकीन निकली है ये भी 500, तीन निकले 2 रुपए या 3 रुपए का, एक शैम्पू ये स्वीटी सुबह बॉन्ड्स जेम्स ये ड्राई 10 रुपए, सुगंध मेरी मिल लस्ट मैटबॉक्स है 1 रुपए, लॉलीपॉप है 5 रुपए की, बर्थडे 5 रुपए, एक और लॉलीपॉप, तो दो लॉलीपॉप हो गई, तो एक नवरत्न ब्लेड दाढ़ी बनाने के लिए, बैंडेज चोट लग जाए बढ़िया, कॉफी बनाने के लिए हाजमोला, इतना सब खाने के बाद हाजमा भी तो चाहिए, एक और लॉलीपॉप मिली है तो ये भी कैंसर अलग अलग तो गाइस ये अलग अलग टॉफियां ली है। वैसे तो अगर देखा जाए तो अलग है सेंटर फ्रेश अलग है, बाकी ये जेली की टॉफी है, स्वाद है ये मेलोडी है और ये विक्स दवाई में आती है, बाकी तो देखो आपकी ये सारी खाने वाली टॉफी है, तो कैंडीज है ये तो सब, ये तो कैंडीज है, तो हमने पल्स रखी है और बस ये तीनों की कैंसिल। तो टोटल देखा जाए तो 5 चीजें हैं ऋषभ की जो कैंसिल हुई है, ठीक है गाइस देख सकते हो आप लोग। तो ये 5 रुपए हम मान सकते हैं कि ये माइनस हो गए, ठीक है, तो इन्हें इसमें कर देते हैं और बाकी ये सारा अकाउंट जो है ये ऋषभ का है जो ऋषभ ने ये परचेज करा है। 26 चीजें हैं जो ऋषभ ने 100 रुपए में खरीदी है। जैसे ऋषभ अगर देखा जाए तो पूरा दिन इन पे गुजार लोग यही खा के बस, तो ऋषभ भाई सब खा के ये बॉडी देख रहे हो, ये ताकत ये ऐसी चीजें खाई हुई, ठीक है, ये सारा सामान इसका है। तो अभी सब क्वालिटी कर देते हैं, खाने के बाद आदमी का भी जुगाड़ है। गाइस वंश का जो सामान है वो आप लोगों को देख के लग ही रहा होगा कुछ इंटरेस्टिंग सा, वैल्यूएबल ठीक है ना, लग रहा है। ऋषभ का भी सामान होता है वैल्यूएबल है, खाने के लिए है सारा सामान, कुछ ऋषभ ने ऐसा नहीं खरीदा, हालांकि जो डेली यूजेस की चीजें हैं अगर आप उस मेंटेलिटी से ना सोचे तो गलत, ठीक है ना। तो ब्रेड 10 रुपए, चाय पत्ती 10 रुपए, मैक्रोनी 10 रुपए, बॉर्नविटा 10 रुपए, तेल 10 रुपए, कोकोनट 20 रुपए, एक गिना जाएगा भाई, एक गिना जाएगा दो है ये गिना जाएगा। काफी चीजें हैं जो इसने दो खरीदी हुई हैं, ठीक है, तो जैसे ये मसाला है तो दो है तो एक ही गिना जाएगा, एक अलग रखते हैं, बॉर्नविटा इसने दो लिए हैं तो एक गिना जाएगा एक अलग रख, और ये शैम्पू है तो ये कंडीशनर के साथ आता है इसलिए एक ही पाउच हम गिनेंगे, ठीक है गाइस। बाकी आप देख सकते हो कितनी चीजें इसने खरीदे हैं, ऋषभ का काउंट था 26 और इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पर हालांकि देखा जाए तो घर के मामले से वैल्यूएबल चीजों के मामले से खाने वाली की जो चीजें हैं, दूध है, चाय पत्ती है, ब्रेड है, शैम्पू है, बिस्कुट है, मैक्रोनी है, तो हमारे इस चैलेंज के विनर जो है वो हम वंश को बताते हैं। तो वंश कॉन्ग्रेचुलेशन, और मैं चाहता हूँ ये सारा सामान तुम उठ के छोटे को दो। बिल्कुल भाई, अरे मुझे तो पहले पता था, मैं देख तुम पापा के पापा गाइस हालांकि हमने नहीं सोचा था कि हम लोग ये करने वाले हैं, तो ये वाले ये सामान भी हम इसे ये सामान छोटे छोटे चेंज, हालांकि हमारा ना थॉट बाद में चेंज हुई जब हमने छोटे हम नहीं चाह रहे थे, मैंने जो बोला था ना किसी को देने वाले, मेरे को लगा था कि मैं बाद में नहीं दे दूंगा ये लोग खा लेंगे, बट हाँ जब ये छोटा हमें दिखाई दिया तो मेरा थॉट एकदम चेंज हो गया, नहीं हम लोग तो खा ही लेंगे इसे ही दे देते, तो ये छोटा ये भी पी लेंगे, ठीक है, और साथ में इस छोटे को मैं
हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हमारे दोनों कंटेस्टेंट हमारे साथ गाइस, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अगर आपको हमारा ये काम पसंद आया हो तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और देखते रहिए हमारी ये वीडियोस, और रेडी रहिए नेक्स्ट चैलेंज के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमने ना दो चीजें निकाल ली हैं, एक ब्लेड निकाल ली है, एक निकाल ली है, ये बेकार चीजें हैं, ठीक है ना। इन चीजों को हम अपने